पाली पढ़ना सीखो भाग चार। जो तीसरण और जो पंचशील है उसका एक सिस्टम होता है, उसका एक तरीका होता है, उसका जो भिक्कू या जो कोई अच्छा जानकार होता है जब आपको पंचशील और तीसरण देता है तो उसका एक नियमावली होती है जिस नियम के तहत में ये दिए जाते हैं। पाली के अंदर वो बोलते हैं और पाली के अंदर ही आप जवाब देते हैं, तो पाली को अच्छी तरह से उसको सीख लें कि आप क्या बोल रहे हैं, आपका एक्सेंट अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले तीसरण शीलांग की याचना होती है, यानी जो तीसरण के और जो सील के अंग हैं उनकी याचना होती है, रिक्वेस्ट होती है। सील के अंग मतलब पार्ट ऑफ शीला जो होते हैं, और जो आपका तीसरण होता है, जो तीन शरण होती हैं उनका नियम होता है। कैसे करते हैं? शिष्यो, शिष्यो माने शिष्य, यानी कि जो सामने बैठा है उसको शिष्य कहते हैं। शिष्यो का मतलब है सीखने वाला, इसको सेखिया भी बोलते हैं। शिष्यो, शिष्यो का मतलब है जो भिक्खु का शिष्य है, खासतौर से उससे है, या उपासको भी हो सकता है या उपासिका भी हो सकता है। तो शिष्यो या उपासक या उपासिका कैसे कहता है, कैसे कहता है? ओकास अहंग भन्ते, ए और है के बाद में अंग है, अहंग भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं, तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्हंग कत्वा शीलं देत मे भन्ते। यानी कि जो उपासक है या उपासिका है या जो शिष्य है वो क्या कहता है? ओकास, ओकास का मतलब अवकाश दें, मुझे टाइम दें या मेरी तरफ ध्यान दें, देखें। अहंग भन्ते, अहंग भन्ते का मतलब है भन्ते मेरी तरफ, मैं, अहंग माने मैं होता है। तीसरणेन सह पंचशीलं, तीसरणेन यानी कि तीन शरण के साथ में, सह पंचशीलं साथ में, सह माने साथ में, पंचशीलं, पंचशीलं दो शब्द हैं, पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देत मे भन्ते। फिर इसको द्वितीयम्पि बोलते हैं, वही सेम रिपीट करते हैं। अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देत मे भन्ते। फिर इसको तिवारा बोलते हैं ततीयम्पि करके, ततीयम्पि अहं यानी अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्हंग। ये जो अनुग्हंग है इसको दो शब्दों में तोड़ेंगे, अनुग्हंग, तब ये पूरी तरह से सही बोला जाएगा। अनुग्हंग तत्वा शीलं देत मे भन्ते। जो आचार्य हैं, जो भिक्खु हैं, वो बोलेंगे यमहंग वदामि तंग वदेही। फिर जो उपासक है, शिष्य है, वो बोलेगा आम भन्ते, और उसके बाद आरंभ होगा नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्। उसके बाद में ये जब तीन बार आप नमन करेंगे, नमस्कार करेंगे, तो फिर आएगा जो तीन शरण है, बुद्ध की शरण, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, और ये तीन बार आएगा। तीन ही बार आप याचना करते हैं और तीन ही बार ये आता है। उसके बाद आता है पंचशील। पंचशील आने के बाद, क्योंकि जब ये तीन शरण आपकी समाप्त होंगी तो आपका जो टीचर है, जो भिक्खु है, वो कहेंगे तीसरण गमनंग संपूर्णंग, यानी तीन शरण गमनंग, तीसरण गमनंग संपूर्णंग। आप कहेंगे आम भन्ते, आम भन्ते का मतलब है हां भन्ते। फिर आपका पंचशील सम आदान स्टार्ट होगा, यानी पंचशील सम माने बराबर, पूरी तरह से अच्छा, और आदान का मतलब देना या ग्रहण करना, तो वो आपको दिया जाएगा। जो आप ग्रहण करेंगे वो ठीक वैसे आएगा जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया है, पाणाति पाता वेर मणि सिक्खा पदं समादियामि, अदिन्न दाना वेर मणि सिक्खा पदं समादियामि।
कामेसु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खा पदं समादयामि, मूसावादा वीरमणि सिक्खा पदं समादयामि, सुरा मेरे मज्ज अमादठाना वीरमणि सिक्खा पदं समादयामि। फिर जो आपके आचार्यों हैं, जो आपके टीचर हैं, जो आपके भिक्खु हैं, वो कहेंगे ती सरणेन सद्धिंग पंचशीलंग धम्मंग साधुकंग सुरक्षितंग कत्वा अपमादेन संपादेतब्बं। और इस प्रकार आप कहेंगे आम भन्ते और सब्बे सत्ता भवन्तु सुखी तत्ता। और इस प्रकार सभी जो सत्ता है वो सुखी होने की बात कहके ये जो तीन शरण हैं और वो पूरे हो जाते हैं। आप इसको याद कर लें, मैंने यहाँ इसको दिया हुआ है। आगे इसके बाद में मैं आपको बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और जो रतन तत्व है वो सब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ पाली पढ़ना, इसमें क्योंकि आपको पाली शब्दों के हिसाब से अच्छी तरह से बोलने आ जाए और जब जहां कहीं भिक्कू या कहीं आप इसकी वंदना करें तो आपको शब्द याद रहें, वही मैं आपको बता रहा हूं। अर्थ के लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरे अर्थ बताए हुए हैं। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Time.